मैं अब निकला हूँ मेरे रूम से और मेरे रूम से आज मैं जा रहा हूँ एक नाइट मार्केट में। वैसे तीन मार्केट्स है जो नाइट मार्केट्स है यहाँ पर फेमस है, वो 1, 2, 3 आए सामने, ये तीन मार्केट्स है। उसमें से मैं अब पहले मार्केट में जा रहा हूँ, निंग क्यू नाम का ये नाइट मार्केट है, स्पेलिंग आप देख लीजिए। अब ये मार्केट बेसिकली कपड़ों के लिए, शूज के लिए और अलग अलग स्वीट सूप्स, रेड बीन, येलो बीन, ब्लैक बीन्स वगैरह वगैरह, या शुगर केन जूस, अलग अलग जूसेस के लिए बहुत फेमस है और खाने के लिए भी अच्छा फेमस है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी स्पेशलिटी है इस मार्केट की, कपड़े और जूते बहुत है यहाँ पर। आप कभी भी अगर नाइट मार्केट में जाते हैं तो उसका पहले टाइमिंग देख लीजिए। ये जो है निंग क्यू नाइट मार्केट, ये शाम को 5 बजे खुलता है और रात के लगभग 12 बजे खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ गिने चुने शॉप्स ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे बंद हो जाएंगे, लेकिन बहुत गिने चुने। दूसरी चीज, अब आप यहाँ पर जा रहे हैं तो क्या आप चीजें ध्यान में रखोगे? सबसे पहले कि ज्यादा देर रात मत आना वापस, लगभग 11 बजे के आसपास सुनसान हो जाता है, तो थोड़ा सा खतरा हो सकता है, इतना खतरा ना उठाए, जल्दी आ जाए। अब मैं निकला हूँ रात के 8 बजे, तो आराम से 2-3 घंटे में तो मैं आ जाऊंगा। मैं जिस होटल में रह रहा हूँ, मेकोंग 69, ये जो हॉस्टल है यहाँ से ये मार्केट सिर्फ 700 मीटर की दूरी पर है। अब आपको बताता हूँ ये होटल मैंने क्यों चुना है। सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूटली इन सेंटर ऑफ द सिटी, 1 किलोमीटर के भी अंदर में हर चीज यहाँ पर है अप्रोचेबल। तो जैसे अभी ये मार्केट 700 मीटर पर है, कैन थो एक अच्छा खासा शहर है। और एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है, और जो मुझे पता चली थी कुछ लोगों से, कि अगर आप साउथ ईस्ट में हैं तो खाने के थोड़े से लाले पड़ेंगे, लेकिन अगर आप जैसे जैसे वेस्टर्न रीजन की तरफ आओगे या साउथ वेस्ट की तरफ आओगे तो आपका खाने का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। काफी चीजें यहाँ पर खाने के लिए है। अब मैं पहुंच गया हूँ नाइट मार्केट में, अब मैं शुरू करता हूँ वहां का कैमरा। तो पहले तो मैं सिर्फ जरा पैदल चल लेता हूँ, समझ लेता हूँ इस मार्केट को क्या है। यहाँ के टी शर्ट के प्राइसेस जरा देखिए, 50,000 का टी शर्ट, 45,000 का टी शर्ट, 35,000 का टी शर्ट। भाई ये डोंग है, ये रुपये नहीं है, सो टेंशन वाली बात नहीं है। 1 लाख का शर्ट, 1 लाख डोंग यानी 360 रुपए के आसपास। ये जो मार्केट है यहाँ पर, आपने अभी प्राइसेस देखी, हजारों में है सारी प्राइसेस। तो ये डोंग में है, ये रुपये में नहीं है, काफी प्यारे प्यारे डिजाइन है। ये बच्चों के बहुत काम की चीज है ना। क्रॉकरी की दुकान है, यहाँ पर आप अपना फोटोग्राफ टी शर्ट्स पर ले सकते हैं, और अपना फोटोग्राफ रेडी रखिए, यहाँ पर आइए और आपके मन चाहे कलर के टी शर्ट्स पर आप ये फोटोग्राफ ले सकते हैं। और ये कितने में है, ये प्राइस है। अगर आप $100 यहाँ पर एक्सचेंज करवाते हैं तो $100 में लगभग आपको 24 लाख डोंग मिलेंगे, यानी लगभग 2.5 मिलियन के आसपास। एकदम से मिलियनर हो जाओगे, ऐसे पॉकेट में मिलियंस ऑफ डोंग्स आप लेके घूमोगे, मिलियनर होने का आनंद आपको यहाँ पर मिलेगा। काश ये रुपए होते। अरे मैं तो इस रास्ते के अंतिम छोर पर आ गया, एक मिनट अब देखो ये कहाँ आ गए हम। पता नहीं क्या बना रहे, राइस है वो। ये उसके अंदर जो है वो बीफ है,
तो मैं तो नहीं खा सकता हूँ, लेकिन देखने में बहुत मजा आ रहा है। ये पर्पल कलर का राइस देख रहे हो, अच्छा लगता है, ये भी मीठा होता है। ये पीछे रख दिया इसके ऊपर, फॉइल के ऊपर, क्या बात है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आ गया इस मार्केट की दूसरी गली में। सारा खाने का सामान यहाँ पर है। ये याद है आपको, ये मैंने खाया था वॉन्ग टाउ में, काफी अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से ये खा लेंगे। ये बहुत ही लजीज जूसेस है, बहुत मन कर रहा है सब कुछ खाऊं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो सिर्फ पहले मार्केट घूमूंगा और बाद में फिर खाने का मैं सोचूंगा। ये गन्ने का जूस जरूर पिएंगे। ये थाई डिश है, थेओ करके बोलते हैं इसे, थेओ थाई डिश, स्पाइसी होता है लेकिन अपने जनरल हिंदुस्तानियों के खाने की चीज नहीं है। ये जो है ये स्टिकी राइस बोलते हैं इसे। ये स्क्विड है, ऑक्टोपस, ये राइस का पापड़ बोल सकते हो, कागज बोल सकते हो राइस का। ये यहाँ के लैंग्वेज में भी इतने चिल्ला के बोलते हैं ना कि परेशान हो जाता हूँ मैं कभी कभी। चावल का पापड़ देखते हैं, पहले तो पूरा मार्केट देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर वापस आएंगे। ये केक देखने कैसे, देखिए ये केक है, कुछ ज्यादा ही टेम्पटिंग है ना केक्स, मैं लेके जाऊंगा दैट्स फॉर श्योर। आज यहाँ से बहुत सारी चीजें मुझे लेके जानी है मेरे रूम पर, और यहाँ पर भी कुछ चीजें खाऊंगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि अरे क्या क्या खाऊं। मैं तो पिछले 6 दिन 7 दिन ऐसे हालत थी कि मुझे बहुत घूमना पड़ रहा था कि मैं क्या खाऊं, लेकिन आज की सिचुएशन अलग है। आज यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, तो लेट्स सी, पहले घूम लेते हैं। ये क्या है भाई, ये कुछ स्पाइसी लग रहा है, एक मिनट दिखा दो आपको। ये पीग है, सो मुझे वो तीखा देखकर ऐसा लगा था कि खाऊं, लेकिन नहीं। ये मेरा प्यारा और मेरा फेवरेट कोकोनट, लेकिन वो उसमें आइसक्रीम डाल रहे हैं, देखिए। यार आपको थाईलैंड में मैंने ऐसी कुछ एक डिश ली थी कोकोनट में, लेकिन यहाँ पर ये डिश थोड़ी सी अलग है। ओहो क्या सजाया है यार, ये सामने 2 स्कूप्स है, तो 3 स्कूप्स अगर लिए तो 49,000 एंड 2 स्कूप लिए तो 39,000 इस एंड सिर्फ कोकोनट लिया। यहाँ पर ग्लासेस में फ्रूट्स रखे हैं, तो आपको जो ग्लास चाहिए वो उठाइए, उसका वो जूस करवा के दे सकते हैं आपको। यहाँ पर पैनकेक्स आपको दिए जाएंगे, सही में एक कलाबाजी लग रही है जिस तरीके से कर रहे हैं। सॉस, उसके पहले कॉर्न डाला है, और उसके पहले जो डाला था वो बूटी के बाल जैसा, वो चिकन था। ये जो डिश थी
बहुत सुंदर लगती है, थोड़ी सी मीठी होती है लेकिन खाने में बहुत मजा आता है। मैं थाईलैंड में कई बार वो डिश खा चुका हूँ। ये जो आपको बॉल दिख रहे है तो इसके अंदर कई बार बीफ रहेगा, बीफ के बॉल इसके अंदर रहते हैं या पोर्क के बॉल्स रहते हैं उसके अंदर। ये भुट्टे का स्टॉल, लेकिन ये बॉईल किया हुआ है, कोयले पर नहीं किया गया इसको। अरे सामने कुछ खूबसूरत दिख रहा है, चलो जाके देखते हैं। ये मार्केट है, अब इसके अंदर मैं जाऊंगा, लेकिन सुंदर दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ये है उनका ट्रेडिशनल कैन थो मार्केट अंदर का, अभी जो हमने देखा था वो बाहर का पोर्शन देखा था। यहाँ पर यूरोपियंस काफी दिख रहे हैं इस कैफे में। सारे ट्रेडिशनल इनके डिजाइन्स कुछ दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल इनकी टोपिया। इस तरीके की एक क्रूज डिनर का भी आप आनंद यहाँ पर उठा सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जाऊँ, लेट्स सी शेड्यूल में कैसे बैठता है उसके ऊपर है। अब ये शिप घूम रही है, जैसे अपने यहाँ पर गोवा में होता है ना हिंदुस्तान में, कि ऊपर एंटरटेनमेंट चलता रहता है। यहाँ पे देखिए तीनों जगह पर एंटरटेनमेंट अलग अलग चल रहा है, तीनों फ्लोर्स पर। कुछ इस तरीके से ये तैयार हो जाएगा जब वो काट के पूरा हो जाएगा। इतना जोर से करते करते अगर हेक्सागन टूट जाता है तो इमीडिएटली दूसरा लगाएंगे वो लोग। और ये है ये कलाकार, क्या सुंदर किया है, वाह लाजवाब। इतनी छोटी छोटी नक्काशी कैसे कर लेते हैं ना, कहीं पर भी निशान नहीं, वाह। कहीं पर भी गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये कर रहे हैं काम, ये तो मीन्स इसके लिए तो शब्द ही नहीं मेरे पास। सब कुछ दिमाग में है और इतनी फास्ट काम करना, आसान काम तो बिल्कुल नहीं है, है ना। तो आप ये वीडियो इमीडिएटली शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, लाइक किया कीजिए क्योंकि वो हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इमीडिएटली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। तो आपको हमारा आज का एपिसोड नाइट मार्केट का कैसा लगा ये बताइएगा कॉमेंट में, ज़रूर ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ से यानी कहाँ से कैन थो के नाइट मार्केट से मैं अब अलविदा कहता हूँ। अब मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं दूसरे ऑफ बिट डेस्टिनेशन में, बाय बाय।